ओके अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, राइट। अब आप यहाँ सिलेंडर में देखेंगे तो आप कंसीडर करिए एक टिन बॉक्स को जिसका ऊपर का सरफेस सर्कुलर है और नीचे का सरफेस भी आपका सर्कुलर है, राइट। तो यहाँ पर आपको एरिया निकालना है। तो यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं, देखिए एक तो ऊपर का सर्कल है, टॉप से अगर आप देखेंगे तो आपको सर्कल नज़र आएगा और अगर आप बॉटम देखेंगे तो भी आपको सर्कल नज़र आएगा। ये दोनों सर्कल आइडेंटिकल है, सेम है, कॉन्ग्रूएंट है। तो जो इसका एरिया होगा वही इसका भी एरिया होगा। ओके उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पर इस कर्व्ड जो आपका है कर्व्ड सरफेस है उसका आपको एरिया निकालना है। यहाँ पर क्योंकि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस में आप दोनों सर्कल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका भी एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, सबसे पहले आपके पास है दो सर्कल, ठीक है। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर। कितने सर्कल्स हैं हमारे पास, दो सर्कल, तो इनका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ टू सर्कल्स ये हो जाएगा, टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि दोनों का एरिया सेम है। उसके बाद है आपके पास ये कर्व्ड सरफेस, कर्व सरफेस, ठीक है। तो देखिए हमें मालूम है यहाँ से लेकर यहाँ मिडिल पॉइंट से और यहाँ तक ये इसकी हाइट कंसीडर की जाती है, क्या है इसकी हाइट है, ठीक है। अब मैं आपको इस बुक से ही एक सिलेंडर बना के बताती हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर मैंने इसे फोल्ड कर दिया तो ये एक सिलेंडर के फॉर्म में आ जाएगा जिसमें ये टॉप हिस्सा आपका सर्कल है और बॉटम हिस्सा आपका सर्कल है, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो, ठीक है। एंड दिस इज द हाइट जो मैंने बताया है, ये आपकी हाइट है, राइट। अब हमें किसका एरिया, हम सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं दोनों का, अब हमें इस सरफेस का एरिया जो कर्व है ये आपको कर्व में दिखाई दे रहा है ना, तो इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ओके इसका एरिया हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो, ठीक है, इसको मैं ओपन कर दूँ तो क्या होगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसकी हाइट। अब बात रही इस लेंथ की, ये क्या चीज़ है, ये तो हमने कहीं भी अभी डिफाइन नहीं किया ना, हमने तो बस कितना देखा है कि ये जो एक सर्कल है इसका एरिया टू पाई आर स्क्वायर है, इसका भी पाई आर स्क्वायर है, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों सर्कल्स का एरिया हो गया टू पाई आर स्क्वायर। अब ये है हाइट, ठीक है। अब क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया है इसको मैं क्या करती हूँ, ओपन कर दूँ, तो ये चीज़ तो मुझे मालूम है कि हाइट है। अब इसको फाइंड आउट करना, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए मैं एक बार फिर से इसको जो है ये लेंथ फाइंड आउट करनी, ये कितनी है ये फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करती हूँ एक बार इसको और फोल्ड कर दूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए ये आपको शेप नज़र आ रहा है सर्कल का, ठीक है ना, ये सर्कल की क्या है, बाउंड्री है, सर्कल की क्या है, बाउंड्री है। अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो यही बाउंड्री इस एक लाइन में लेंथ में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अगर मैं इसको बुक को इस तरीके से ओपन कर दूँ तो ये जो सर्कल की बाउंड्री थी ये बाउंड्री आपकी लेंथ में कन्वर्ट हो जाती है। और आपको मालूम है कि सर्कल की जो बाउंड्री होती है, सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस बोलते हैं सर्कल की बाउंड्री को। सर्कमफेरेंस कितना होता है सर्कल का, टू पाई सॉरी सर्कमफेरेंस कितना होता है, टू पाई आर, ठीक है, सर्कमफेरेंस कितना होता है, टू पाई आर। ओके अब मैंने क्या किया, मैंने इस जो भी आपका सिलेंडर था उसको ओपन कर दिया तो आपका जो सिलेंडर है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें ये हाइट है और ये इसकी बाउंड्री थी सर्कल की, ठीक है। अब क्योंकि ये जब मैंने ओपन किया, अभी इसी सिलेंडर को मैं जब ओपन करूँगी तो आपको ये ऐसे नज़र आएगा, ये तो आपकी हाइट थी, ये थी सर्कल की बाउंड्री टू बाई आर। तो अब अगर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो इसका एरिया कितना हुआ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ,
लेंथ क्या है इस वक्त 2πr और ब्रेथ कितनी है h, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया, जो भी आपका कर्व है उसका एरिया हम निकालेंगे। तो ये हो गया आपका लेंथ 2πr, ठीक है, और ये h। अब हमारा सबका एरिया निकल गया है, दोनों सर्कल्स का भी और कर्व सरफेस एरिया मिल गया है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2πr² + 2πr h, जो कॉमन है इसको हम बाहर ले लेते हैं 2πr और अंदर बचेगा r + h। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr r + h। ये फॉर्मूला निकालने की टेक्निक है, राइट। तो ये सारे फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, और इसके ऊपर बेस्ड जब हम क्वेश्चन करेंगे।